डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी EVS की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इनके टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे हमारे, और चैप्टर नंबर 5 द एनिमल वर्ल्ड, इसमें आपको मैंने पेज नंबर 30 एक्सप्लेन कर दिया था पूरा का पूरा, जिसमें आपको बताया था मैंने कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, जो साथ साथ रहते हैं, टीम में रहते हैं, और उनका जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेंबर, वो होता है टीम का लीडर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो भेड़िया या फिर डॉग होते हैं उनके क्या बोला था मैंने सॉरी उनके झुंड यानी उनके ग्रुप को बोलते हैं पैक, PAC। फिर आपको बोला था मैंने कि पैरोट या और कोई बर्ड हो तो उसके ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, FLOCK। फिर मैंने आपको बताया था एलिफेंट के ग्रुप को स्पेशली बोलते हैं HERD, हर्ड। तो आपने इनको बुक में फिल कर दिया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, उनके भी रीज़न थे। तो एक था, उनमें से एक रीज़न था इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी खाने की तलाश में और पानी की तलाश में। अब आगे देखिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, यानी दुश्मनों से बचाने के लिए। द फंक्शन ऑफ द टीम लीडर इज़ टू वॉच ओवर फॉर द सेफ्टी ऑफ द ग्रुप। जो टीम लीडर होता है उसका एक काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पूरे ग्रुप की सेफ्टी रखे, उनका पूरा ख्याल रखे, उनकी रक्षा करे। जैसे आप ही सुनिए, अगर आप कहीं जा रहे हो, चलो मान लिया आप पिकनिक पे जा रहे हो, और आपको मैम ने बोला कि आप ध्यान रखिएगा, तुम कैप्टन हो इस टीम की, ये पूरी टीम बन गई, अब तुम गेम खेलो या कुछ भी करो, कहीं भी घूमो, लेकिन इस टीम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो जवाब किसे देना पड़ेगा? तुम्हें। तो वैसे ही जो टीम का लीडर होता है एनिमल्स में, उसके पास भी ये जिम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी टीम की सेफ्टी का ख्याल रखे। व्हेन वन एनिमल ऑफ द ग्रुप सीज एनिमीज, और जब ग्रुप का कोई भी एक एनिमल एनिमीज को देखता है, ENEMIES, एनिमीज यानी शत्रु, दुश्मन, जब भी कोई जानवर ग्रुप में से दुश्मन को देखता है, इट वॉर्न्स अदर मेंबर्स अबाउट द डेंजर, और वो सबको वॉर्न करता है, वार्निंग देता है अपने ग्रुप के सब जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनको सबको बताता है कि ये खतरा हमारे पास आने वाला है, ऐसा कुछ भी, और फिर सब छुप जाते हैं या खुद की रक्षा के लिए कुछ भी सोचते हैं। फिर देखिए, द टीम लीडर आस्क द ग्रुप आइदर टू रन अवे और टू फाइट विद द एनिमी टुगेदर। फिर टीम लीडर उन सबको बताता है कि या तो हम भाग जाए या फिर हम उनसे लड़े, किससे? दुश्मनों से, एनिमीज से। ऑल एनिमल्स फील सेफ व्हेन दे आर टुगेदर इन अ ग्रुप, और सारे जानवर सेफ फील करते हैं, SAFE, सेफ यानी सुरक्षित फील करते हैं, यानी महसूस करते हैं, कब? जब वो अपने टीम लीडर के साथ होते हैं या फिर जब वो ग्रुप में होते हैं, यानी अकेले वो डरते हैं, और जब सब साथ में होते हैं, पूरे टीम में होते हैं, तो उनको डर बिल्कुल नहीं लगता। अब आगे देखिए, फ्रेंडली एनिमल्स, नाम से पता चल रहा है, फ्रेंडली यानी जो सबके साथ फ्रेंड बन जाए, जो सबके साथ फ्रेंड की तरह रहे, वो होता है फ्रेंडली एनिमल। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, कुछ एनिमल्स नेचर के साथ फ्रेंडली होते हैं, यानी उनके आसपास रहने वाले लोगों के साथ फ्रेंडली होते हैं। इफ़ वी गिव देम फूड, अगर हम उनको खाना देंगे, दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट, तो वो तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत हमारी तरफ आ जाएंगे उसको खाने के लिए। पेट्स आर केप्ट बाय अस एज स्पेशल फ्रेंड्स, जो पेट्स हमारे पास हम लाते हैं, हम रखते हैं, जैसे डॉग, कैट, रैबिट, वो हमारे स्पेशल फ्रेंड होते हैं। डॉग्स, रैबिट्स एंड कैट्स आर सम ऑफ द पेट एनिमल्स केप्ट एट होम, दे नीड अवर होम, सॉरी दे नीड अवर लव, उनको हमारी ज़रूरत होती है हमारे प्यार की, हमारे केयर यानी हमारे ख्याल की, एंड जेंटल हैंडलिंग, और उनका ख्याल यानी कि जेंटल हैंडलिंग यानी वो कहीं जाए तो उनके साथ रहना, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, है ना। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड प्ले अ लॉट विथ अस, वो हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं बहुत अच्छे से। फार्म एनिमल्स लाइक पिग्स, गॉट्स, हैंस एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली, सॉरी फार्म एनिमल्स लाइक पिग्स, गॉट्स, हैंस एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली एनिमल्स, दे डू नॉट फ्राइटन द पीपल, दे मूव अराउंड द फार्म फ्रीली।
फार्म यानी खेत, खेत पे रखने वाले एनिमल्स जैसे पीक्स यानी सुअर, गॉड्स यानी बकरी, हैंस यानी मुर्गी एंड डक्स यानी बतख, ये रखते हैं लोग अपने फार्म हाउस पे रखते हैं ना, तो ये भी हमारे फ्रेंडली एनिमल्स ही होते हैं और ये हमारे साथ कभी लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाते और वे हमारे फार्म के आसपास रहते हैं। इनमें से एक है जिसका पिक्चर बहुत ही प्यारा सा दिया हुआ है, इसमें देखो ये अच्छा सा पपी है, डॉग का बच्चा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो मोर वाइल्ड हॉर्सेस इन हर्ड्स टेक टर्न स्लीपिंग एंड टेकिंग अ वॉच फॉर प्रीडेटर्स। आगे देखिए, शाय एनिमल्स, शाय यानी होता है शर्मीला, शाय यानी शर्मीला, एस एच वाई, शर्मीला क्या होता है, जो शर्माता है, जैसे आप में से भी किसी ने देखा होगा किसी को कोई चीज़ सामने आ जाए तो हम शर्माते हैं, अचानक हम कोई कोई नया मेहमान आ जाए हमारे घर पे तो भी हम शर्माते हैं, हर कोई नहीं शर्माता लेकिन किसी किसी की आदत होती है ना, तो वैसे ही एनिमल्स होते हैं कुछ, देखिए उनके बारे में। सम एनिमल्स रन अवे व्हेन एनी पर्सन मूव्स टुवर्ड्स देम, कुछ एनिमल्स भाग जाते हैं जब कोई पर्सन उनके पास आता है। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विथ मैन, और वे किसी के साथ, किसी भी इंसान के साथ फ्रेंडली होना नहीं चाहते। इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल नोटिस दैट ऑल बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड सम अदर एनिमल्स दैट आर नियर बाय डू नॉट कम नियर द फूड व्हेन वी आर अराउंड। कुछ ऐसे एनिमल जो हमें, हमारे पास भी नहीं आते, हमारे साथ कभी फ्रेंडली भी नहीं होते, वो हमें ध्यान से बहुत देर तक देखते हैं, हमें नोटिस करते हैं और जब देखते हैं कि हम उनसे दूर चले गए या फिर हमने उनको खाना दिया और हम खाने से दूर चले गए, उनको छोड़ के चले गए, तब जाके वो उस खाने के पास आके थोड़ा उसके आसपास घूमने लगते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल दिए हैं इसमें, बर्ड्स और स्क्रिल्स, बर्ड्स जैसे चिड़िया, क्रो, कोई भी समझ लो, गौरैया, पिकॉक, क्या हम उनके पास जाते तो वो हम वहीं रहते नहीं ना, वो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं और उससे पहले भी वो हमें बहुत देर तक देखते हैं, अगर उनको लगता है कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो वो हमारे जाने के बाद थोड़ी देर उनके पास घूमते हैं आसपास और फिर आके वो दाना या जो भी खाना है उसको लेते हैं। स्क्रिल्स यानी होता है गिलहरी, ये देखिए गिलहरी का पिक्चर जो सबके घरों के आसपास आपको दिख जाएगी, आपने देखी भी होगी। आगे देखिए, सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, बियर्स, मंकीज एंड वाइल्ड हॉर्सेस आर ऑल्सो शाय बाय नेचर, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर भी होते हैं जैसे डियर, डी डब्ल्यू आर डियर यानी हिरण, बियर्स यानी भालू, पी ई ए आर एस, मंकीज जो आप सब जानते ही हो, मंकीज यानी बंदर, एंड वाइल्ड हॉर्सेस यानी जंगली हाथी, सॉरी जंगली घोड़े, ये भी शर्मीले होते हैं। दे रन अवे व्हेन दे हियर अनयूजुअल साउंड्स और सी ह्यूमंस, वो भी भाग जाते हैं जब वो हमारी आवाज़ सुनते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो इंसानों से किया जाता है, या इंसानों की कुछ बातें सुन लेते हैं, इंसानों की आवाज़ सुन लेते हैं या फिर इंसानों को देख लेते हैं तो भी शर्म के मारे भाग जाते हैं और थोड़ा सा डरते भी हैं। एनिमल्स हेल्प वन अनोदर, एनिमल्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हैव यू एवर सीन बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काउ और अ बफेलो, क्या आपने कभी गाय के या भैंस के कंधे पे, उसकी पीठ पे, उसके बैक पे किसी बर्ड को बैठे हुए देखा है? मैंने तो देखा है, एक बार मैंने एक गाय के ऊपर कौए को बैठे हुए देखा था, एक बार एक चिड़िया को भी देखा था, और आपने भी ज़रूर देखा होगा काऊ या बफेलो पे यानी गाय या भैंस पे पीठ पे जो बैठते हैं बर्ड्स उनको क्या बोलते हैं, सुनिए। दीज बर्ड्स आर कैटल एग्रेट्स, क्या बोलते हैं इनको, सी ए डबल टी एल ई कैटल, ई जी आर ई टी एस एग्रेट्स, कैटल एग्रेट्स यानी ऐसे बर्ड्स जो काउस या बफेलो की पीठ पे बैठते हैं। ओके, द बर्ड्स दैट राइड ऑन द बैक्स ऑफ जिराफ एंड ऑक्सन आर कॉल्ड ऑक्स पैकर्स, और ऐसे बर्ड्स जो जिराफ के या बैल, ऑक्सन यानी बैल होता है ना, समझते हो, गाय का, गाय के साथ एक बैल भी होता है, तो जिराफ की या ऑक्सन यानी बैल की पीठ पे बैठ के सवारी करते हैं ऐसे बर्ड्स को बोलते हैं ऑक्स पैकर्स, ओ एक्स पी ई सी के ई आर एस, ऑक्स पैकर्स। ओके, दे आर रेड बिल्ड बर्ड्स दैट फीड ऑन टिक्स दैट लिव ऑन द स्किन ऑफ जिराफ एंड ऑक्सन, और
ये जो दे आर रेड बिल्ड बर्ड्स, यानी वे बर्ड्स जो ऑक्सन यानी कि बैल या जिराफ की पीठ पे जो स्किन होती है उनकी उस पे रहते हैं और वहीं पे खाते हैं, उनकी टिक्स को खाते हैं, मतलब उनके वहाँ पे छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाते हैं, वो होते हैं रेड बिल्ड बर्ड्स। ओके चलिए, आई मीन रहते हैं मतलब उन्हीं के ऊपर घोंसला बना के नहीं रहते, ध्यान से सुनिएगा। रेड बिल्ड बर्ड्स वो होते हैं जो ऑक्सन या जिराफ की पीठ पे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाते हैं, वो होते हैं रेड बिल्ड बर्ड्स। ओके तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज नंबर 31। अब आपका होमवर्क देखिए, लास्ट पार्ट में आपको मैंने होमवर्क दिया था कि न्यू वर्ड्स जो शायद आपने लर्न कर लिए होंगे, राइट भी कर लिए होंगे, लीडर यानी नेता, एनिमीज यानी दुश्मन, फॉरवर्ड यानी आगे, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करना, एक्सटर्नल ईयर्स यानी बाहरी कान, इंटरनल ईयर्स यानी आंतरिक कान, बीहाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते, कंज्यूम यानी उपभोग। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको जस्ट न्यू वर्ड्स के आगे करना है, अगर जगह है तो उसके नीचे, अगर जगह नहीं है तो न्यू पेज से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, ये तो आपको चैप्टर में अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका आंसर है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, जंगली जानवर ग्रुप में रहते हैं। व्हाट आर शाय एनिमल्स, शर्मीले जानवर क्या होते हैं। नेम फाइव शाय एनिमल्स अराउंड यू, और आपके आसपास के कोई जिनको आपने कभी देखा हो ऐसे शाय एनिमल्स के नेम लिखो, कितने लिखने हैं, 5। सम एनिमल्स रन अवे व्हेन एनी पर्सन मूव्स टुवर्ड्स देम, कुछ ऐसे जानवर जिनके पास अगर हम जाते हैं तो वो कभी हमारे पास आते नहीं हैं, और जैसे हम उनके पास जाते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विथ मैन, और वो हमसे कभी फ्रेंडली होना नहीं चाहते, वो हमारे फ्रेंड बनना नहीं चाहते। दीज आर शाय एनिमल्स, और वो होते हैं शाय एनिमल्स। लाइक बर्ड्स, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइक बर्ड्स स्क्रील्स, ये पेज देख लीजिए आप, इस पर क्वेश्चन 1 भी है और क्वेश्चन 2 का आंसर भी है, सिर्फ एक लाइन बची है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा होमवर्क के लिए। अब इसका आंसर देखिए, जो 5 एग्जाम्पल है उसमें से 2 यहाँ पे हैं, बर्ड्स स्क्रील्स, एंड 3 यहाँ पे हैं, डियर बियर्स एंड मंकीज। ओके तो ये था आपका आज का होमवर्क, जो आपको राइट भी करना है और हो सके तो पढ़ते पढ़ते कीजिएगा ताकि आपको लर्न भी हो जाए, और आपका वर्क आप ड्यू मत रखिएगा, बाकी मत रखिएगा कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, वरना बहुत बढ़ जाएगा फिर नहीं हो पाएगा और हैंडराइटिंग भी बिगड़ जाएगी। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो देखने में, वीडियो समझने में, चैप्टर को समझने में, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके थैंक यू।